वेलकम टू पाकिस्तान एरिया रिएक्शन। तो कैसे हैं आप साहब? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे, एंजॉय कर तो यार होंगे। सबसे पहले आप लोगों को रमजान मुबारक हो, जो जो हमारी वीडियो देख रहा है। तो आज हमारा फर्स्ट मतलब इधर रोजा है। हाँ, तो आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। शायद इंडिया में मेरे ख्याल में कल फर्स्ट था, आई थिंक मेरे काफी लोग हमें कल हो सकता है आज उनका पहला हो कुछ पता नहीं, क्योंकि हमारा इधर आज फर्स्ट है। तो बहुत बहुत मुबारक हो। तो अब आते हैं यार इसके ऊपर वीडियो की तरफ। तो वीडियो का जो टाइटल है वो है खान सर फनी मोमेंट्स। आज हम देखेंगे खान सर के फनी मोमेंट। जैसे कि आपको पता है बहुत ही ये मशहूर, कौन नहीं जानता वैसे इनको, काफी ज्यादा ये मशहूर किस्म के इंडियन जो है टीचर है और काफी फेमस है। तो इनका ये वीडियो है, तो वीडियो का जो टाइटल है वो है खान सर फनी मोमेंट्स और की टू सक्सेस मोटिवेशन का वीडियो। ओरिजिनल लिंक आपको इनका मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब करना। तो जल्दी से देखते हैं भाई फनी मोमेंट्स इनके। तो काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। ये कौन पूछता है बेवकूफ, शादी हुआ कि नहीं आपका? अरे यार लड़के का शादी हुआ या नहीं, सिंपल तरीका उसके चेहरे के मुस्कुरा का ट्रांसफर दो नाम से जाना जा हो चुका है क्या? मोतियाबीन वाला रेलवे में मोतियाबीन वालों का नहीं होता है, मेडिकल छांट देता है। ए और बी के घर में शादी हो रहा है, तो इनके बीच में शादी हो रहा है, ध्यान से देखिए। तो हम मान के चलिए एक लड़का लड़की में शादी हो रहा है, एक बॉय है और एक गर्ल है, इनके बीच में क्या हो रहा है, शादी हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि बेटी की विदाई हो रही है। यहाँ से देखिए, यहाँ से आप क्या कहिएगा, बेटी की विदाई हो रही है, तो लड़की के घर वाला सब क्या करता है, सब रोता है, सब क्या करता है, रोता है। और यहाँ पे लोग खुश होते हैं कि बहू का आगमन हो रहा है, बहू का आगमन हो रहा है। लेकिन अगर आप सही में देखिएगा ना, तो हो क्या रहा है, हो यही रहा है कि भैया कुछ नहीं हो रहा है, ये इसका ट्रांसफर हो रहा है। इसका क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। ये क्या है? बकलोलिया का ट्रांसफर दो नाम से जाना जाता है कि चल बेटी की विदाई, पतोह का आगमन, इस चीज के दूगो नाम है। एक चीजवा का दूगो नाम हो सकता है, एक चीजवा का दूगो हो सकता है, अलग अलग एंगल से देखिएगा। तो देखिए यहाँ समझिए, इसमें बताइए सबसे कमजोर कौन सा है? समझाने के लिए वो एग्जांपल पूछा। सबसे कमजोर कौन सा है? कमजोर रे भैया, दू कोनियन मार रहा है तू, इसमें कार्बन दिख रहा है तोरा, घोंचू कहीं का मोतियाबीन वाला रेलवे में मोतियाबीन वालों का नहीं होता है, मेडिकल छांट देता है। सोचो यहाँ एगो कार्बन दिख रहा है, यहाँ एगो और कार्बन दिख रहा है। अरे बकलोलवा कई गो हेकरा कार्बन समझ गया, सी तो ये है, तो एल को कौन चीज देगा रे? ऐसा टीचर हो तो भाई कोई सारे बच्चे टॉप करें, मतलब कई को क्या सोचता है सब कि हो सी तो है, हाई तो दूसर चीज था। अरे बकलोलवा उसी एल एक के में होता है, एल अकेले ले आके देख रहा है सब। अरे बकलोलवा उसी एल एक के में होता है, सोच रहा होगा सर क्लोरीन है रे बबू, आई कार्बन ना है, उससे नीचे दूध। जैसे देखिए बहुत से लोग क्या होते हैं, किसी का बच्चा बीमार, जैसे हमारे आपको बताते हैं, हम एक बार हॉस्पिटल में हम एडमिट थे किसी चीज़ को लेके, गले में कुछ प्रॉब्लम था, तो वहाँ हम देखे थे एक मतलब महिला थी, उसके एक महीने का बच्चा था और महिला बेचारी बहुत सीरियस थी, उसको ऑक्सीजन लगा था, पता नहीं क्यों महिला से ज़्यादा माया उस बच्चे पर लग रहा था कि बेचारा अगर वो मर जाएगी तो इस बच्चा का क्या होगा। और बच्चा बेचारा भूख से परेशान था, वहाँ पे एक महीने का बच्चा था। तो उस हॉस्पिटल में ना एक दूसरी महिला थी जो उस मरीज को कुछ नहीं जानती थी, लेकिन उस महिला ने अपना दूध उस बच्चे को पिलाया। यार मानवता इसे कहते हैं यार, जिसको कोई नहीं जानता, ना जाति देखा, ना धर्म देखा, ना कुछ, इतना इंसानियत होता है। लेकिन कहते हैं ना कि सबसे बड़ा रिश्ता होता है खून का रिश्ता, उसके बाद जो होते हैं बोलते हैं ना कि दूध का रिश्ता है तुमसे मेरा, मतलब दूध का रिश्ता मतलब माँ बाप का, माँ की तरह एक तरह से हो जाता। तो उसने दूध पिलाया था माँ का रिश्ता, तो समझिए थोड़ा सा इसको नीचे रखिएगा, दूध का रिश्ता इससे एक अंक नीचे चला जाएगा, समझ में आ गया कि नहीं? अब मूत ससुरा उससे भी नीचे चल जाएगा लाइन से, खून दूध मूत एक अंक नीचे लेके जाएगा। खून का याद रखिएगा, खून का किसी को नहीं भूलता है, खून का किसी को नहीं भूलता है। 7.4 ये कौन पूछता है बेवकूफ, शादी हुआ कि नहीं आपका? अरे यार देखो, लड़की का शादी हुआ या नहीं ये देखने का सिंपल तरीका उसके मांग में सिंदूर। बिल्कुल, लड़के का शादी हुआ या नहीं सिंपल तरीका उसके चेहरे के मुस्कुराहट। क्या बात, हमको कभी उदास देखे हो? ये सबसे बड़ा मतलब पता लग गया, नहीं हुई
उसके बाद कौन सोचा? आप हमेशा याद रखेंगे कि नहीं? किसी भी आदमी को बता सकते हैं शादी तू क्या शादी झारखंड को बोलेंगे ना बीचों बीच से चीर के निकल जाता है, फिर पश्चिम बंगाल, उधर त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये सब चीजें को आपको माइन्यूट से माइन्यूट चीजों को ध्यान देते रहना है। हम लोग की शिक्षा प्रणाली अंग्रेज बना के गए और वो इस तरह से बना के गए हैं कि हम लोग यही पढ़ते रह जाएंगे। उस ससुरे स्पेस एक्स बनाएंगे, वो गूगल बनाएंगे, वो याहू बनाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट बनाएंगे, हम लोग पठती पठत पठावत पठती। समझा गया? तो आपको ध्यान देना है कि भाई छोटी सी छोटी चीज को किस तरह से एब्जॉर्ब कर सके। इसलिए अब कह रहे हैं आंख बंद करके पढ़िए। इसमें बहुत से लोगों को शर्म लग रहा है पढ़ने में, तो वो हम ऑन कैमरा यहाँ आके नाच के गा के जीवन का उस दस्तूर याद रखिए, जिसने किया शर्म उसका सही बात है, सही बात, शर्म नहीं आ रही। समझा गया? पढ़ने खाने थूरने में, पढ़ाई करो दबा के, खाओ दबा के, कोई गलती किया तो कचर के थूरो। इसी के साथ ही वीडियो कहते मतलब थूरो मतलब मारो, मारो। अच्छा यार सीधी सी बात है ये। अच्छा यार मैंने इस लेवल का फनी टीचर मैं एक बात तुम्हारी मानता हूँ यार, मुझे मतलब ये खान सर के कोई मतलब क्या कहते हैं लव में धोखा खाए हुए या क्या, मतलब गर्ल्स को बहुत ज्यादा टारगेट कर रहे हैं यार। मतलब मेरे ख्याल में कोई दिल टूटा हुआ है क्या चक्कर है, अभी मुझे खुद नहीं पता। अच्छा कहते हैं लड़की का पता कैसे लगेगा, सिंदूर है, सिंदूर लड़के का पता है, ससुरा हंसेगा ज्यादा हंसा तो समझो खुश है, मतलब मूड बना हुआ तो समझो फिर समझ सकते भाई भाई। वैसे लेकिन लेकिन एक आपको मैं बात बोलूंगा, ऐसा टीचर हो ना मैं आपको गारंटी बोल रहा हूँ एक बच्चा भी फेल नहीं होगा, नहीं होगा ऐसा टीचर हो जाए, मतलब मिल जाए ना, मैं मतलब, कहता हूँ टॉप करेंगे सारे। मतलब असल में बात करने का मकसद ये है कि ये मजाक करके भी इस तरीके से समझा लेते हैं कि बंदा समझ जाता है, ये मतलब ऐसा समझाता है कि वो मतलब माइंड में बात ऐसी बैठ उतर जाती है, मतलब उतर जाती है कि मतलब ये समझाया किसी ने, बिल्कुल चाहे वो समझे ना समझे कि मतलब फार्मूला क्या था, क्या हिसाब किताब था, इनके जहन में फौरन वही आएगा कि इस तरीके से समझाया था, वो चीज याद वो चीज याद क्या बोला है पपलुलिया भाई, पपलुलिया किस तरह बोला है, कुछ बकलुलिया यार मतलब इतना फनी तरीके से समझाते हैं, स्टूडेंट भी हंसने लग गए पीछे, मुझे हल्की फुल्की आवाज आ रही थी। और यार मतलब इनके पास नॉलेज भी बहुत है, बहुत ज्यादा, और इनके पास हर तरह की नॉलेज भी काफी है, और ये काफी तभी तो फेमस है और एक अच्छे तरीके से लोगों को समझा देते हैं। तो ये मतलब तरीके से वो कह रहे ना कि मैं आके नाच गा के उछल कूद के समझा देता हूँ, तो जो है ना इसमें उछल कूद के समझा, वो कह रहे थे कि मतलब खाने में नहीं 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 कहते जिसने खाई शर्म उसके फूटे करम। तो यार गाइस कौन कौन इनका फैन है हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं, ठीक है यार। यार वाकई में ऐसा टीचर बहुत कम देखने को मिलता है। तो गाइस आप इसके बारे में क्या कहते हैं अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दें। इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।